हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। बेटा पिछली क्लास में हमने बातें की थी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं आपकी, उनका एक्सप्लेनेशन देखा था। आई होप आपको सभी क्वांटिटीज़ हैं वो आपको समझ में आई होंगी। आज जो हम बात करेंगे बेटा, वो टेम्परेचर है, क्योंकि आपके जैसे जैसे आप चैप्टर में जाओगे तो आपको कन्वर्जन भी पूछेगा। टेम्परेचर आपको सेल्सियस दे देगा, केल्विन पूछेगा, सेल्सियस दे देगा, फ़ारेनहाइट में पूछेगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है बेटा, टेम्परेचर हमें पता है फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मतलब फिज़िकल आपकी क्वांटिटी है। फिज़िकल क्वांटिटी आपकी क्या थी? यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी थी, ड्राइव क्वांटिटी थी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी। ये थी आपकी तीनों टाइप की। अब बात करते हैं बेटा अपन यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर आपका क्या बताता है? सिंपल सी बात, ये बताता है कि कौन कितना गर्म हो, कौन कितना ठंडा है। कौन गर्म मतलब पदार्थ के बारे में, मतलब ये आपका मैटर के बारे में क्या बता रहा है कि हॉटनेस और कोल्डनेस बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी अगर डेफिनेशन बनाएं टेम्परेचर की, तो क्या होगी? इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी विच टेल्स डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी मैटर, कोई भी मैटर हो सकता आपका, उसी को क्या बोलेंगे? नॉन एज टेम्परेचर। इसको क्या बोलेंगे बेटा? टेम्परेचर बोलेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन आपकी टेम्परेचर की, कि वो फिजिकल क्वांटिटी कि आपकी जो मैटर की हॉटनेस और कोल्डनेस को बताए, कितना आपका ठंडा है, कितना आपका गर्म है, उसको अपन टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर स्केल आपके नॉर्मली जो आपके सिलेबस में हो, तीन टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल जो हो आपके तीन टाइप के होते हैं बेटा। पहला जो टाइप है वो आपका होता है सेल्सियस स्केल है आपका। दूसरा आपका होता है केल्विन स्केल है, ठीक है। और थर्ड है आपका फ़ारेनहाइट स्केल। जो आपका सेल्सियस स्केल है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में डिनोट होगा। केल्विन स्केल में सिंपल केल्विन होगा और फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। कि इसमें हम टेम्परेचर जो बताएंगे, सपोज कीजिए एग्जांपल अगर मैं लूँ तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे आपका 25 केल्विन कहलाएगा और यहाँ पे वो 25 क्या कहलाएगा? फ़ारेनहाइट कहलाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाएगा। आई बात समझ? पहले आप इसकी डेफिनेशन उतारो बेटा जल्दी करके, और कितने टाइप के स्केल है आपके। अब इंडिविजुअल स्केल के बारे में पढ़ेंगे अपन कि आपके कैसे काम करते हैं, क्या इनके रिलेशन है आपके। फटाफट इसको राइट डाउन करो। चलिए बेटा हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्केल्स, क्या क्या स्केल्स के बीच में रिलेशन आपका। पहला आपका है कि इसमें सेल्सियस एंड केल्विन, केल्विन और आपका सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन्स है। तो यहाँ पे आपका केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.16, ये रिलेशन होता है। न्यूमेरिकली इस डाटा को हम क्या लेते हैं? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। मतलब कैसे काम करेगा बेटा आपका ये, कि सपोज़ कीजिए आपको कह दिया डिग्री, जीरो डिग्री सेल्सियस है, जीरो डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सिंपली आप केल्विन इसको की वैल्यू पुट कर दोगे, जीरो केल्विन, यहाँ पे जीरो वैल्यू हो जाएगी प्लस में 273। मतलब यहाँ पे केल्विन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 273 हो जाएगी। हाँ है ना। अगर हम बात करें इसी की कि यहाँ पे इसी को मैं ये भी तो कर सकता हूँ, आपको सपोज़ कीजिए केल्विन में दे दे तो डिग्री सेल्सियस में तो चेंज कर सकते हैं अपन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे इज इक्वल टू केल्विन माइनस में 273.16, यही हो जाएगा। हाँ है ना। मतलब आपको कह दिया कि 373 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को पुट करोगे, 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन कितना है, 272 माइनस में 273, इसको 273.16 को क्या लिख सकते हो बेटा, 273 लिख सकते हो, न्यूमेरिकली आप 273 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके, जब भी न्यूमेरिकल करोगे आप इतना डाटा चल जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे आपका कितना आ गया, कितना सेल्सियस आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना, मतलब सेल्सियस स्केल में जो आपका 373 केल्विन हो कहाँ पे दिखाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। आ रही बात समझ में सभी को? अगर मैं कहूँ 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, क्या करना है बेटा, केल्विन में चेंज करना है, तो आप फॉर्मूला पुट कर दोगे क्या कि 25 और यहाँ पे कितना था, 273, तो ये आपका कितना हो गया बेटा, ये आ गया आपका, ये आपका 298, हाँ या ना, आपका इतना क्या हो गया, केल्विन हो गया। तो आपको यहाँ पे सेल्सियस और केल्विन में एक ही चीज़ याद रखनी है, ये आपका रिलेशनशिप है, कौन सा बेटा, ये आपका रिलेशनशिप है, इसी से हम डिग्री सेल्सियस का रिलेशन निकाल सकते हैं। आगे होगी मेरे हिसाब से आपको बात समझ में, फटाफट इसको राइट डाउन करो बेटा, ठीक है बेटा। अब दूसरा रिलेशन है अपना, यहाँ पे पहला किसका था, सेल्सियस और केल्विन में था, दूसरा आपका फ़ारेनहाइट एंड दूसरा आपका सेल्सियस में, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, देखिए यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट है इज इक्वल टू 9/5 और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस जो भी आपको दे रखा प्लस में 32, ये आपका रिलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया, सपोज कीजिए आपको कह दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो हुआ आपका क्या होगा, तो 9 उसको आपको कह दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो 9/5 इंटू में 0 प्लस में 32, तो कितना हो गया, ये तो आपका 0 होगा और ये कितना बचा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यस या नो, बोलो। अगर मैं कहूँ 100 डिग्री सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना, तो कितना हो जाएगा, बोलो, 9/5 इंटू में 100 प्लस में 32, दो आठ दो दस ग्यारह 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बिल्कुल आपने पुट वैल्यू पुट करनी और जो भी आपका सॉल्यूशन हो उसको काट पीट के लिया हो उसको, तो ये रिलेशन आपका। अगर वो कह दे कि इतना फ़ारेनहाइट हो डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो क्या कर दोगे, उसको चेंज कर दोगे, देखिए इसी को हम चेंज कर देंगे, क्या चेंज करेंगे बेटा, इस 32 को इस साइड ले जाएं, पहले 32 को लेके क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट माइनस में 32 और ये वैल्यू बची आपकी, तो ये आपकी क्या बचेगी, 5/9, यस या नो, देखो आप 212 है, अगर 212 को ही अपने को करना है, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 माइनस में कितना है 32 और यहाँ पे कितना है 5/9, कितना आ गया आपका यहाँ पे, ये 0 और 11 में से 3 गए, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 180 और ये 5/9, 9 × 2 = 18, 0 × 5 = 10, ये आ गया आपका, तो इतने क्या हो गया आपके, 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, इसका मतलब ये आपका है। मतलब आपको सिंपल सी यहाँ पे फ़ारेनहाइट और जो आपका डिग्री सेल्सियस उसमें आपको रिलेशन क्या याद रखना है, ये याद रखना है, इसी से आपका दूसरा रिलेशन निकल जाएगा। तो अब अपन तीनों के बीच में अब रिलेशन बिठाते हैं कि अगर आपको केल्विन दे दिया तो फ़ारेनहाइट कैसे निकालोगे, फ़ारेनहाइट दे दिया तो केल्विन कैसे निकालोगे, मतलब सारी चीज़ आप इन्हीं फार्मूले से अपन निकालेंगे, फटाफट इसको राइट डाउन करो बेटा। तो ये आपके बेटा रिलेशनशिप थे केल्विन में, इसी को डिग्री सेल्सियस में चेंज करा अपन ने, ये फ़ारेनहाइट है, ये आपका डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, देखिए मैंने आपको कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में बदलना है, 0 डिग्री
सेल्सियस आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ये आपका क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आए ना, इसी को आपको चेंज करना 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी करना है, ठीक है। दूसरा आपका 25 डिग्री सेल्सियस, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। 25 डिग्री सेल्सियस को भी केल्विन में चेंज करना और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी करना है। 25 डिग्री सेल्सियस होता है वो रूम टेम्परेचर होता है, न्यूमेरिकल में आपको कह देगा रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस होता है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जो आपका रूम टेम्परेचर कंसिडर किया है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। ऑब्वियसली बात आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर गर्मियों में आप समाचार सुनते हैं कि 45 हो गया टेम्परेचर और अंदर भी आपका 35 का आपके टेम्परेचर होता है, पर हम जो लेबोरेटरी में कंसिडर करते हैं रूम टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेल्सियस करते हैं, ठीक है ना। 25 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है, रूम टेम्परेचर, ठीक है बेटा। थर्ड है 37 डिग्री सेल्सियस, इसी को भी केल्विन में चेंज करना डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये होता बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो आपका क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है। फोर्थ आपका कौन सा, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना और डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है, ये आपका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फटाफट इसके आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं, इसके कमेंट में आपको बताना है किस सीरीज के ये आंसर होगा। आपको मैंने आपको बता दिया कैसे आपको निकाला जाता है, ठीक है बेटा। ये आपका छोटा सा टॉपिक था। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखनी बेटा आपको, कि यहाँ पे अगर आपने देखा हो कि सेल्सियस जो आपका स्केल है वो कहाँ पे शुरू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल पूछ लेता है कि सेल्सियस स्केल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री, केल्विन स्केल स्टार्ट फ्रॉम 273 केल्विन से शुरू होता है, और फ़ारेनहाइट जो है वो आपका 32 से शुरू होता है। देखिए इसमें पुट करके देखिए, इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 होगी, 0 पुट करेंगे तो ये 32 ही आया। तो फ़ारेनहाइट जो आपका स्केल है वो कहाँ से शुरू होता है, 32 से। जाने में टेम्परेचर आपका कितना भी हो सकता है, पर स्टार्टिंग आपसे पूछा जाता है कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है या आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो आपका केल्विन में क्या है, सेल्सियस में क्या आपका, ये सारी चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में होनी चाहिए। ये आपको बता भी दिया आपका रिलेशंस, और ये आपका टॉपिक आपका ऑलमोस्ट ख़त्म है, ठीक है। कुछ आपको एक सोशल मैसेज भी देना था बेटा, कई बच्चों के स्कूल में आपके समर वेकेशन भी हो चुकी हैं और कईयों की हो जाएंगी विद इन वीक। आपकी जो क्लासें हैं बेटा वो कंटिन्यूस रहेंगी, मैं आपके वीडियो अपडेट करता रहूँगा, आप बस नोटिफिकेशन को ऑन रखना, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। आप ये सोचो कि हाँ भाई समर वेकेशन के बाद सिचुएशन कुछ भी हो सकती है बेटा आपके, तो क्योंकि मार्च से आपको पता है कि आप कंटिन्यूस जो है वो जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस से, ऐसी बात नहीं है आप PDF थे या और किसी भी मेथड से थे, तो आप जो है जितना हो सके इस चैनल को आप अपने दोस्तों से फैलाइए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए इसे, ताकि दूसरों का भी क्या उसके बेटा भला उसके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा मास और वेट क्या होता है और वॉल्यूम क्या चीज़ होती है, उनके कन्वर्जन के बारे में पूछेंगे कैसे वो आपके पूछे जाते हैं। एक बात और ध्यान में रखना आपको बेटा यहाँ पे, कि 0 डिग्री जो आपका केल्विन है, आपका जो 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन जो होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, क्योंकि आगे आगे आपके न्यूमेरिकल जब आएंगे तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ये स्टार करके आप बात लिख देना। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर का मीन्स क्या है, जो विलियम केल्विन था आपका साइंटिस्ट का नाम जो था, उसने कहा था कि 0 केल्विन पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट, बिल्कुल उनमें एनर्जी 0 हो जाती है। 0 केल्विन पे कोई भी
मतलब ओसिलेशन, कोई भी आपकी कोई भी मोशंस नहीं होती एटम्स में, वहाँ पे आपकी बिल्कुल क्या हो जाती है, उनमें एनर्जी जीरो हो जाती है, जीरो केल्विन पे। इनको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मीन्स क्या, आपका जीरो केल्विन आपको दे रखा है। ठीक है बेटा, आज के लिए आपका इतना ही, थैंक यू वेरी मच।